हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके होस्ट एंड दोस्त करिश्मा, और आप सबका स्वागत है एवरीवन इज ब्यूटीफुल इस चैनल में। एंड आई एम ओनर ऑफ रॉयल्ट सलोन। हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक हम सबके लिए बहुत खास है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऑफिशियल लुक सारी 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 हम इंडियंस के लिए कितना ब्यूटीफुल तोहफा है। सारी सारी हर लड़के को कितना कितने कितना खूबसूरत बना देता है। हर लड़की सारी में बहुत ग्रेसफुल लगती है, हर लड़की इसमें बहुत खूबसूरत लगती है। वाओ वाओ, वी गॉट सच अ नाइस गिफ्ट सारी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ ऑफिशियल वेयर साड़ी। हम कई कबार साड़ी पहनते हैं ऑफिस में, हम फेस्टिवल के कारण पहनते हैं या ऐसे रेगुलर के कारण पहनते हैं। रेगुलर भी किसी किसी को अच्छा लगता है साड़ी पहनना। आज इसी के ऊपर मेरे छोटे छोटे टिप्स हैं। आप जब फेस्टिवल में साड़ी पहनना चाहते हो तो आप सिंपल सी बहुत बट रिच लुक देने वाली या रिच कलर वाली साड़ी पहनो। ज़्यादातर प्लेन ही साड़ी पहनो विथ स्मॉल बॉर्डर। अगर प्लेन साड़ी हो और उसमें स्मॉल स्मॉल डिजाइंस हो या जरी वाला कुछ वर्क हो तो अच्छी लगती है। अगर आपने बहुत चमकीली साड़ी पहनी लाइक शादी जैसी, वो ऐसा लगे कि आप शादी में जा रहे हो ऑफिस में नहीं, तो ये बात का बहुत ध्यान रखो कि रिच कलर वाले साड़ी पहनो। ज़्यादातर साड़ी प्लेन हो और बॉर्डर को हल्के से डिजाइन हो और बॉर्डर हो, ऐसे ऐसे साड़ी आपको बहुत ग्रेसफुल एंड सिंपल बट रिच लुक देती है। अब आते हैं ऑर्नामेंट की ओर। अब जब फेस्टिवल के लिए साड़ी पहनते हैं तो ऑर्नामेंट में मतलब नेकलेस में आपको एक ही नेकलेस पहनना है। आपको नेकलेस के ऊपर नेकलेस, नेकलेस के ऊपर नेकलेस, ऐसे दो या तीन नेकलेस नहीं पहनना है व्हाइल गोइंग टू ऑफिस। आप ऐसा लगेगा फिर शादी अटेंड कर रहे हो। आपको एक ही सिंपल सा नाजुक सा नेकलेस पहनना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं कौन सा नेकलेस पहनूं, तो आपके लिए मेरी एक राय है, आप सिंपल सा क्यूट सा मंगलसूत्र पहनो जिसका पिक मैं रेफरेंस में देती हूँ। वो मंगलसूत्र कौन से भी साड़ी के ऊपर जाते हैं और बहुत क्यूट लगता है, ये वाला मंगलसूत्र है। और वेस्टर्न साड़ी के ऊपर भी जाते हैं, ट्रेडिशनल साड़ी के ऊपर भी जाते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा गोल्डन ज्वेलरी पहननी नहीं है व्हाइल गोइंग टू ऑफिस, तो ये बात का ध्यान रखो। और त्योहारी वाली साड़ी जैसे आप प्लेन पहनते हो विथ कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज रहता है तो बहुत एलिगेंट और बहुत अच्छा लुक आता है कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज के साथ। आप इस पे ओपन हेयर भी रख सकते हो, बन भी कर सकते हो, नेकलेस के ऊपर जाए ऐसे इयररिंग पहनो देन काजल आइनर लगा लो, वाओ योर फेस्टिवल लुक इज रेडी। नाउ वी विल मूव टूवर्ड अ रेगुलर लुक। आप रेगुलर भी साड़ी पहनना चाहते हो, आप जब ग्रुप में डिसाइड करते हो कल हम साड़ी पहनेंगे तो पहनते हो आप। आपको जब रेगुलर साड़ी पहनती हो तो आपको बहुत सिंपल सोबर साड़ी पहननी है, दैट मीन्स इन ग्रे कलर, लाइक इन स्काई ब्लू कलर, लाइक पिच कलर, ऐसे सिंपल बट बहुत क्यूट डिसेंट लुक में आपकी साड़ी दिखनी चाहिए जब आप रेगुलर साड़ी पहनते हो तो। इसमें से आपको लाइक ग्रे कलर ऑल्सो, और इसमें आपको कौन सा टाइप चूज करना है, लाइक कॉटन वाली साड़ी पहननी है, लिनन वाली साड़ी पहननी है जिसमें से हल्की सी फ्लावर प्रिंट हो इन कॉटन, वैसे वाली साड़ी पहननी है, वारली पेंटिंग वाली साड़ी पहननी है, इन रेगुलर बेस, तो ऐसी वाली साड़ी बहुत खूबसूरत दिखती है रेगुलर बेस में। इसमें भी आपको एक ही नेक पीस पहनना है, लाइक ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी इसमें आप पहन सकते हो। अगर गोल्डन पहननी हो तो बहुत नाजुक होनी चाहिए एज यूजुअल, क्योंकि ज्वेलरी बहुत सुंदर और हल्की से होनी चाहिए। और ऑक्सीडाइज अगर ज़्यादा भरी भरी हो तो भी अच्छी लगती है, लेकिन गोल्डन ज़्यादा भरी भरी हो तो वो शादी वाला लुक क्रिएट करती है। विथ मैचिंग इयररिंग, बालों को एज यूजुअल आपको खुले वाले अच्छे लगते तो खुले बाल, नहीं तो कर्ल्स करवा लो, आइनिंग करवा लो, कुछ तो नया लुक क्रिएट करो ऑन साड़ी। तो ये हो गए हमारे दो टिप्स। अभी मैं आपको ऑफिशियल लुक साड़ी का, दैट मीन्स रेगुलर साड़ी का लुक मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने थोड़ा सा अलग स्टाइल से ये स्टाइल ड्रेप किया है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो। फ्रेंड्स देखो, यहाँ मैंने लिनन की साड़ी खरीदी है, उसका पल्लू देखो, पल्लू को टसल्स है इसमें, तो वैसे ये साड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है। ये देखो मैं नॉर्मल वैसे इस साड़ी को पहन रही हूँ, मुझे लगता है हम सबके पास एक लिनन साड़ी भी होनी चाहिए। ये देखो ना, सिंपल सोबर ऑफिशियल लुक देती है, आप ऑफिस में भी पहन सकते हो, अगर आप टीचर हो तभी भी ये साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। इसको हम नॉर्मल वैसे ड्रेप कर रहे हैं लेकिन पल्लू थोड़ा सा अलग है, इसलिए ये वीडियो को एंड तक जरूर देख लो।
पल्लू को ऐसा थोड़े बहुत टसल हो या थोड़ा वर्क हो तो अच्छा लगता है पल्लू। लिनन की साड़ी ये देखो, आपको अगर 1,500 या 1,500 के अबव लिनन की साड़ी खरीदते हो तो उसका फिनिशिंग और लुक कुछ अलग ही आता है। और 500-600 में लिनन की साड़ी मिलती है, लेकिन उसका फैब्रिक थोड़ा अलग रहता है। थोड़ा कॉस्टली वाला का कॉस्टली जब साड़ी होती है तो फैब्रिक थोड़ा अलग ही मिलता है, लेकिन इट डिपेंड। हम कॉटन की साड़ी का भी अच्छा लुक आता है, हम समर में कॉटन की साड़ी पहन सकते हैं, वो लुक भी अच्छा देती है और फील भी अच्छा देती है। वैसे लिनन की साड़ी का भी है वो लुक। देखो पल्लू कर रही हूँ मैं, पल्लू को भी थोड़ा हम अलग वैसे ड्रेप करेंगे। ये नॉर्मल ही पल्लू है, नॉर्मल जैसे हम पल्लू करते हैं वैसे हमें पल्लू करना है। ये सिर्फ के वजह से मैंने पैक किया। अभी मैंने क्या किया, अभी ये प्लीट्स है ना, मैंने छोड़े एक दो, क्योंकि मुझे राइट साइड में थोड़ा सा पाउच चाहिए। छोड़ के टक कर लो पीछे से। देन ये देखो राइट साइड में हमें थोड़ा सा पाउच लेना है। ये देखो ऐसा पाउच क्रिएट करना है, तो हमारा ऑफिशियल लुक या अलग वाला थोड़ा सा लुक हमारा क्रिएट हो जाएगा। चाहे तो आप यहाँ वेस्ट बेल्ट भी लगा सकते हो, अगर आपके पास वेस्ट साड़ी को सूट करता हुआ बेल्ट हो तो। नहीं तो यहाँ मैंने एक देखो नेकलेस पहना है ऑक्सीडाइज, और बैंगल्स भी, मेरे ऑक्सीडाइज इयररिंग भी ऑक्सीडाइज है। ये देखो ऑफिशियल लुक हमारा क्रिएट हो गया। अगर आप बाहर भी जा रहे हो साड़ी के ऊपर तो भी ये साड़ी अच्छी लगेगी। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो आपके फ्रेंड के साथ, और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।